गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आए हैं जयपुर, जो कि तीसरा दिन है आज हम लोगों का। तो यहाँ पे जू टहलने वाले हैं। टिकट ले लिया है, जो कि 22 रुपये टिकट है। और अगर आप आईडी कार्ड दिखाते हैं तो आपका 17 रुपये पड़ता है। 5 रुपये की छूट मिल जाती है आईडी कार्ड पे, या रिटर्न रिक्वेस्ट प्रिंसिपल के कहने पर आपका इतना हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये बारहसिंगा यहाँ पे है, जो कि पीछे की साइड आप देख सकते हैं वहाँ पे है। ये बंद है, ताला लगा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा सकता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसमें, मतलब थोड़ा सा लेंस निकल के बाहर गिर गया था, तो उसी हिसाब से ये मैंने रिपेयर करा लिया है यहाँ पे। तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, लेकिन टेम्परेरी एक तरीके से काम चला लिया है। तो मम्मी पीछे रह जाती हैं हर बार, अरे मम्मी आगे चलो भैया, भारत की महिलाएं बहुत आगे हैं। ये देखिए गाइस जो की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि घड़ियाल है। ये जो है, ये देखिए यहाँ पे आप घड़ियाल जो है, जो कि थोड़ी सी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। कुछ तो पानी में उधर लेटे हैं, एक ये कि काफी ज्यादा ब्यूटिफिकेशन किया है यहाँ पे। देखिए मोर भी बोल रहे हैं अच्छे तरीके से, और ब्यूटिफिकेशन जो गाइस है वो बहुत ही जबरदस्त किया है। मैं तो कहता हूँ अगर आप यहाँ पे आइए तो आइए, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, 22 रुपए की बात है। और स्टूडेंट आई कार्ड अगर लेके आते हैं आप, तो फिर 5 रुपए और छूट मिल जाएगी। तो 17 रुपए 20 रुपए कोई मायने नहीं रखता, इतना तो हम लोग खर्च ही कर देते हैं। तो थोड़े से प्लेसेस विजिट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले गए थे, पहले वाले ब्लॉग में खाटू श्याम गए थे, तो वहाँ से वापस आके आए थे इधर। तो हमने सोचा टहलने भी, म्यूजियम भी हो सकता है अगर जाएँ, अगर खुला होगा, क्योंकि कुछ दिन ही खुला रहता है, जैसे फ्राइडे से ट्यूसडे को ये चिड़ियाघर आपका बंद रहता है। और जो है अभी आगे चल के बताते हैं आपको, क्योंकि 3 जानवर तो हम लोगों ने देख लिए हैं यहाँ पे, घड़ियाल हो गया, हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया। आप देखते हैं आगे कौन सा जानवर मिलना है, तो उसी के लिए हम लोग चल रहे हैं। और स्टेयर्स की चढ़ाई कर ली है, अब यहाँ पे जो है थोड़े से बर्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पीछे की साइड आप अगर देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है पीछे की तरफ बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे, बोला गया है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कोई साइन बोर्ड भी वगैरह नहीं लगा है, जो देखना है अपने आप ही देखना है, तो वही ढूंढना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि मम्मी लोग नीचे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई भी थी, देख सकते हैं आप नीचे से, जो कि लगभग 30 फुट के आसपास है मेरे ख्याल से। जो आपको दिखाने जा रहे हैं गाइस, ऑस्ट्रिच दिखाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों से थोड़ा ही दूर है, क्योंकि यहाँ पे उस साइड से देखने को मिलेगा, तो हम लोग उसके पास ही चलते हैं। साइड में गाइस क्रोकोडाइल लेटा हुआ है यहाँ पे आराम से, जो कि काफ़ी इसकी हाइट लगभग 9 फीट के आसपास है। क्यों छीन लो भाई, टाइम भी बड़ा छोड़ी ना। जो वाइल्ड है डाउन हुआ है, क्योंकि जो धूप है वो थोड़ी सी कम हो गई है, बादल छाए हुए हैं हल्के से, तो थोड़ा सा इतनी गर्मी अब नहीं महसूस हो रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। जो कि हम लोग अंदर गए थे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिखाया गया है, लोगों ने पूरा जो है घूम लिया है मम्मी के साथ भी। देखिए यहाँ पे जो है छोटी सी चिड़िया, यहाँ पे कोई नाम नहीं याद है, शायद तीतर हिंदी में कहते हैं इनको, है तीतर कहते हैं, इतना नहीं पता है मुझे क्या है यहाँ पे, लेकिन हल्के से देख सकते हैं आप नीचे की तरफ। ये जो बैठी है ये पीछे की तरफ, ये देखिएगा इस है जो हिल रही है थोड़ी सी। पॉपुलर रोड है, और ये लस्सी वाला ना देखो, उसकी टाइम 1944 सबसे फेमस लस्सी वाला है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी है।